Now, come to the next one of the same lesson, the geographical factors. In the history, अभी earlier points हम लोग पढ़ रहे थे history का. That is history, which is based on the dates, right? Its importance. Now, history also give the some information about the geographical factors. आखिर भूगोलिक factors है history में. Some of the rulers, some kingdoms, dynasties, when they entered in India, they had to settle. उनको settle, वो settle हो गए थे. लेकिन वो सेटल होने के लिए उनको जो चीज़ें की जरूरत थी, द थिंग्स दे रिक्वायर आदर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमी, दुश्मनों से बचना. सेकेंड थिंग्स रिवर, पानी, नदी की जरूरत. फॉर देयर लाइफ हैड टू बी सेटल, फॉर द बेटर क्रॉप कल्टीवेशन. तो पानी की जगह, पानी जहाँ पर आसानी से मिल सकती थी वहाँ पे वो लोग सेटल हुए, जिससे कि वो अपना वहाँ पे डायनेस्टी या साम्राज्य या किंगडम्स वगैरह फैला सके. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, जियोग्राफिकल फैक्टर्स. इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री. मैनी डायनेस्टीज किंगडम्स लिव्स नियर रिवर्स ऑफ प्लेस. कई डायनेस्टीज, जितने भी डायनेस्टीज थी, कई किंगडम्स, साम्राज्य जितने भी थे, वो सभी सभी या तो नदी के आसपास या प्लेन्स. प्लेन्स मीन्स ऐसे प्लेन्स जहाँ पे मतलब कल्टिवेशन करना आसान हो, क्रॉप फर्टिलाइजेशन जहाँ पे आसान हो. तो प्लेन्स ने अपनी डायनेस्टी एस्टैब्लिश की या रिवर्स के पास, जैसे कि नॉर्थ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, एग्जाम्पल आर्यन किंगडम्स. इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि उत्तर के जो इंडो गंगा की घाटी है, ठीक है, वो प्लेन्स में आपने जाना होगा कि आर्यवंश के जो लोग थे, आर्यन किंगडम्स, उन्होंने वहाँ पे बसना शुरू किया था. सेकेंड, मैनी डायनेस्टीज एस्टैब्लिश इन दोज एरियाज विच वॉज सराउंडेड बाई माउंटेन्स विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. यस, कुछ डायनेस्टीज ऐसी थी जो माउंटेन्स एरिया में एस्टैब्लिश की. वाई? बिकॉज द हिली एरियाज, माउंटेन्स एरियाज टू मच टू क्लाइम. तो ऐसी जगह पे जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे रहते थे, कुछ डायनेस्टीज वहाँ पे एस्टैब्लिश हुई. थर्ड, सम ऑफ देम सराउंडेड बाय प्लेटोज एंड रिवर्स. कुछ प्लेटोज और रिवर्स के आसपास, एग्जाम्पल साउदर्न पेनिनसुला डायनेस्टी इन दोज एरियाज. दक्षिण प्रांत की जो पेनिनसुला डायनेस्टी थी वहाँ पे सब बसे थे. फिर फोर्थ, ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ एक्टेड एज अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. भारत और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया के बीच में सबसे बड़ा बैरियर हमारा बनता था द ग्रेट हिमालय रेंज, यानी पर्वतों की महान श्रृंखला, उसी को कहा गया है ग्रेट हिमालयास. सेंट्रल एशिया से कोई भी एनिमी अगर इन्वेड करता था उसको इन हिमालयों को पार करके आना पड़ता था, या तो उनको टर्न करके आना पड़ता था. तो ये ज्योग्राफिकल फीचर्स या फैक्टर्स कहिए जो इंडिया को या किसी भी कंट्री को, अगर उसके आसपास ऐसी चीज़ें रहती थी, ऐसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रहते थे, तो किसी भी एनिमी के लिए एंट्री करना मुश्किल होता था, या कोई डायनेस्टीज अगर वहाँ बसती थी तो वो इस चीज़ को देखते हुए अपने साम्राज्य फैलाते थे.